तो फ्रेंड्स इस एक पेज के चक्कर में हे फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आपको सामने हमारी बाइक दिख रही होगी और बाइक में ना पीछे ये लगा हुआ है। ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हम अपना कुछ भी बैक रेस्ट वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको, बैग वगैरह टाई करने के लिए, और ये काफ़ी अच्छा ना सपोर्ट भी देता है यहाँ पे। तो इसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले आप ये देखो कि मैंने इसको इंस्टॉल कैसे किया है, क्योंकि आपको ना यहाँ पे अभी कुछ चीज़ें दिख रही होंगी। तो पहले आप ये वीडियो देखो जिसके अंदर मैंने इसका पूरा प्रोसेस दिखाया है, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसको मैंने लगाया क्यों है। सो फ्रेंड्स ये रहा अपना स्टैंड, कुछ ऐसा दिखता है ये। अभी इसको मैंने अनरैप भी नहीं किया, बस अमेजोन से मैंने ऑर्डर किया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका जो प्राइस है ना ये ऑलमोस्ट 1000 का है, और हम इसको यहाँ पे लगाने वाले हैं जिससे हमारी ट्रिप में ना काफ़ी आसानी हो जाएगी। हमें इसमें सामान वगैरह जो टाई करना है, और पीछे अगर बंदा बैठता है तो उसके लिए भी काफ़ी सही रहेगा ये। तो इसको यहाँ पे लगाने के लिए ना यहाँ पे ये देखो, इधर ये जो स्क्रू है ना दोनों साइड, इस साइड भी है उस साइड से, और ये जो नीचे वाला एरिया है ना ये वाला, यहाँ से स्क्रू ओपन करके ना तभी फिट होएगा। तो अभी मैं फटाफट इसको लगाता हूँ, अनरैप कर लेते हैं एक बार, देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें कुछ स्क्रू भी दे रखे हैं यहाँ पे भी, बड़ी पैकिंग हो रखी है। देखते हैं कुछ ये स्क्रूज है यहाँ पे, पता नहीं कहाँ पे काम आएंगे, वो तो चलो हम जब लगाएंगे तब पता चल जाएगा। देखें तो कुछ नहीं है, बस ये है। काफी अच्छी फिनिशिंग है इसकी, और कुछ ये डब्बा था अमेजोन से जो आया था हमारे पास, इसके अंदर ही आई थी। चलो अनरैप कर ही लेता हूँ इसको मैं। सो फ्रेंड्स अनरैप मैंने इसको कर लिया अच्छे से, कुछ ऐसा दिख रहा है ये। और अब हमें बाइक को ओपन करना है पीछे से, तो उसके लिए हम ये टूल किट यूज करने वाले हैं। पिछली बार जब हमने टेल टाइडी लगाई थी तब भी हमने पूरा ओपन किया था, और अब भी हमें देखते हैं कितना ओपन करना पड़ेगा। पहले चेक करेंगे वहाँ पे कौन कौन से टूल्स लगने हैं। एक तो ये ले लेते हैं, एक ये, और 10 mm के ले लेंगे, 10 और 12, बस आई थिंक ये इनफ है। देखते हैं लगा के, पहले तो इस चीज़ को ओपन करना पड़ेगा। इस चीज़ को ओपन करने के लिए क्या ले इसको ले लेते हैं। चलो हो गया ओपन, सो फ्रेंड्स अभी ना एक दिक्कत आई है कि मैंने ना इसको यहाँ से फिट किया, तो आप देखो कि ये वाला जो स्क्रू है ना और ये वाला, ये इधर चला गया, इसमें ये नहीं आया, तो ये प्रॉपर फिट बैठा ही नहीं है। शायद से ना दूसरा मॉडल का आ चुका है MT-15 का। अब मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं इसको रिफंड कर दूँ और दूसरा मंगा लूँ, या फिर इसी में कुछ जुगाड़ बिठाते हैं। तो जो ऑनलाइन मैंने RB5 का देखा है ना, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ ना एक ही स्क्रू है यहाँ पे, मतलब वो इतनी बड़ी पत्ती नहीं है, सिर्फ एक आएगी। तो मैं सोच रहा हूँ इसको तो ऐसे ही लगा दूंगा जैसे अभी लगा हुआ है, तो यहाँ तक नहीं लगाऊंगा इसको। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ना वेल्डिंग करके जुगाड़ बनाते हैं और इसको ना यहाँ तक पहुँचाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं वेल्डिंग वाले के पास जाता हूँ और देखते हैं वहाँ पे क्या होएगा, और आपको दिखाता हूँ आगे। जुगाड़ तो करना पड़ेगा। हाँ जी 16 इंच काट दो,
सो फ्रेंड्स अभी ना ये कैरियर लगवा के लाए थे, ये देखो प्रॉपर वेल्डिंग करवाई थी जो आपको दिखी गई होगी, सब कुछ सेट हो गया। घर आके मुझे लगा प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। ये जो पेच दिख रहे हो ना, ये पेच मैं यहाँ पे लगा रहा था, दिखाता हूँ यहाँ पे, और ये ना अंदर कसते हुए टूट गया। अब अंदर वहाँ पे पेच है, वो रहा उधर साइड देखो। अब समझ नहीं आ रहा अब क्या किया जाए। ये पेंच इसके साथ ही आया था ऑनलाइन, इस स्टैंड के एक तो पहले फिटिंग नहीं अच्छी बैठी इसकी, अब फिटिंग करवा के लाया हूँ तो ये पेंच जैसे यहाँ पे भी लगा रखे हैं दो, यहाँ पे भी टाइट नहीं किया और नीचे लगाया और इधर का टूट गया। अब देखते हैं इसमें क्या होएगा। और ये पेंच ना अंदर कसते टाइम टूटा है, तो वहाँ से निकालने के लिए बहुत पंगा होएगा। ट्राई करते हैं कुछ ना कुछ, मतलब प्रॉब्लम एक होती है तो दूसरी भी फिर आ जाती है आगे। बाकी स्टैंड की ये जो वेल्डिंग हुई है ना, ये तो ठीक होगी। एक बार इसको पूरा प्रॉपर देख के फिर एंड में फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स इस एक पेच के चक्कर में कहाँ गया वो पेच, अभी तो यही था यार। हाँ ये रहा, ये जो अंदर दिख रहा ना, ये यहाँ से टूटा था अंदर की साइड यहाँ से। तो इस एक पेच के चक्कर में पूरी बाइक देखना कितनी खोलनी पड़ेगी, और अभी भी मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि मैं इसको निकाल लूँगा कैसे। देखता हूँ कैसे निकलेगा, शायद कोई पतला सा प्लास लेके निकालना पड़ेगा। ट्राई करते हैं, सारा काम सेट हो गया था, बस इसे एक पेंच ने दिक्कत दे दी। तो देखना क्या हालत हो रखी है। सो फ्रेंड्स बहुत मेहनत के बाद वो वाला जो पेच था ना वो तो निकल गया, लेकिन जो ये चीज़ दिख रही है ना आपको ऊपर वाला जो बोल्ट है, तो यहाँ पे जो बोल्ट लगा हुआ था ना साथ में, वो भी टूट गया क्योंकि मैंने बहुत यहाँ पे जुगाड़ वगैरह करके इसको हथौड़ी से निकाला था, तो ये टूट गया। अब ऐसा एक पेच यहाँ पे वेल्डिंग करवानी पड़ेगी, और मैं सोच रहा हूँ कि बार ना ये वाले पेच लगा दूंगा, यहाँ ये थोड़ी मजबूत है टूटेंगे नहीं, क्योंकि अब मुझे और पेचों पे भी डाउट हो रहा है। तो फिर से वापस भैया पे चलते हैं जहाँ से हम ये करवा के लाए थे, और इस पेच को यहाँ वेल्ड करवाते हैं ताकि यहाँ पे वापस से बंद हो सके। तो बाइक को भी ऐसे ही लेके जाऊंगा, देखते हैं। फ्रेंड्स ये बोल्ट मैं वेल्ड करवा लाया हूँ यहाँ पे, और मैंने ये वाले पेच अब की बार यूज़ करने के सोचे हैं, तो ऊपर यहाँ पे वेल्डिंग करवा ली जो इसका बोल्ट था। तो अब इसको पूरा सा फिट करता हूँ वापस, और फिर देखते हैं इसको फाइनली अब सब प्रॉब्लम जो भी है वो सॉल्व होती ही नहीं होती। चलो सो फ्रेंड्स कुछ ऐसी लुक आई है बाइक की, आप देख सकते हो हमने कितनी मेहनत से इसको इंस्टॉल किया है, और कैसा लग रहा है। बाइक काफ़ी बल्की और हैवी लग रही है अब, सामने से तो वही नॉर्मल जो अपनी बाइक थी वही है, और पीछे से एक बार इसके बैक लुक देखते हैं क्या लुक आ रही है। अच्छी लग रही है बाइक। सो फ्रेंड्स आपने देखा ना कि कितनी मेहनत के बाद मैंने इसको इंस्टॉल किया है, और ये जो बैकरेस्ट है ना मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि हम एक ट्रिप पे जाने वाले हैं, जिसपे मुझे पीछे बैग वगैरह टाई करने के लिए यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है इसकी, क्योंकि आपको पता ही है R15 एक स्पोर्ट्स बाइक है, इसके अंदर हम ज़्यादा लगेज वगैरह कुछ कैरी कर नहीं सकते, और अगर पीछे कोई बंदा बैठता है तो हमें वैसे भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए मैंने इसको सोचा है कि थोड़ा बहुत टूरिंग टाइप में मैंने इसको मॉडिफाई कर लिया है, और हम बेसिकली एक ट्रिप पर निकल रहे हैं जो कि आपको वीडियोज आगे दिखती रहेंगी। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको यही दिखाया कि मैंने इसको इंस्टॉल कैसे किया है। जरूरी नहीं कि हर बार आपको कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करो और डायरेक्ट फिट बैठ जाए, लाइक पहले आप कुछ भी मंगाते हो अगर वो डायरेक्ट आप इंस्टॉल कर देते हो या कहीं से इंस्टॉल करवाते हो तो ठीक है, लेकिन अगर वो इंस्टॉल ना हो और बाद में आपको ये हो जाए कि मुझे रिटर्न करना पड़ेगा लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने देखा मैंने कैसे जुगाड़ किया है, और आपको ये दिख भी गया कि मैंने कितने पंगे करे, बहुत मेहनत लगी है, और मैंने इसको खुद ही इंस्टॉल किया। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये दिखा दिया कि हमने कैसे क्या क्या किया इसके लिए, और अपनी बाइक को टूरिंग बाइक बना दिया R15 V3 को। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम अपनी R15 V3 और जो हमारी NS125 है उसकी सर्विस कराने जाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि हम उसकी सर्विस कराने गए हैं और हमारा खर्चा कितना है। तो वो इसका मतलब इसका तो नहीं, ट्रिप पे जाने से पहले हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है जो हम काम कर रहे हैं ट्रिप पे निकलने से पहले, क्योंकि सब कुछ परफेक्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमें आगे चल के दिक्कत आ सकती है। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैंने इसके बारे में दिखा दिया कि मैंने इसको कैसे मॉडिफाई किया है। तो आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।